का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं दिस एंड दैट, दीज एंड दोज के बीच में डिफरेंसेस, साथ ही आपको बताने वाला हूं दोज और दे के बीच में क्या डिफरेंस है। दोज का मतलब भी वे होता है, दे का मतलब भी वे होता है, लेकिन दोनों के बीच में क्या अंतर है, साथ ही इट के सारे यूजेस आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं स्टूडेंट्स के डिमांड पर। मैंने 2 से 3 कमेंट देखे जिनमें स्टूडेंट्स से पूछ रहे सर दोज और दे जो है बड़ा कंफ्यूज करता है, कहां पर दोनों को यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। दैट इज व्हाई आज ये वीडियो मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था। और बता दूं पूरे वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से समझना तो ही समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको दोज और दे को समझने में। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स आपको बोर्ड पर देखना है, देखिए मैं यहां पर आपके सामने लिखने वाला हूं दिस, जिसका प्लूरल होता है दीज। ओके, सबसे पहले तो इन दो को हम समझते हैं, फिर हम देखेंगे दैट जिसका प्लूरल होता है दोज। ओके, अगर हम बात करें दिस की तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ये है, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई भी पर्सन आपके आसपास है, नियर है, मैं लिख देता हूं पास में है, तो आप वहां पर दिस का यूज करेंगे उसको दिखाते हुए। दिस इज रोहन, दिस इज सोहन, दिस इज माय चेयर, दिस इज योर चेयर, दिस इज योर कार, यू नो। तो इस तरीके से आपको चीज जो कि पास में है उसको दिखाते हुए आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप दिस का यूज करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग दिस की, तो आपको बता दूं कि यह प्रोनाउंस होता है दीज, दीज, राइट, जो कि प्लूरल है किसका, दिस का। तो जब आपके पास ज्यादा चीजें हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर 2 कारें खड़ी हैं, तो आप कहेंगे दीज आर माय कार्स, दीज आर योर पैंस, दीज आर योर कॉपीज। मतलब कि जब कोई चीज जो है वो ज्यादा मात्रा में है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो उनके लिए दिस नहीं यूज होगा, उनके लिए दीज यूज होगा। दैट इज द डिफरेंस। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दैट की, तो दैट का उपयोग वहां होता है स्टूडेंट्स जहां पर कोई चीज जो है दूर स्थित है। दूर स्थित होने से मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, पर्सन को आप दिखा रहे हो कि वह रोहन है, दैट इज रोहन। अब आप कहोगे सर इसमें तो हम ही भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब आप ही कब यूज करेंगे, जब आप रोहन का प्रोनाउन ही बनाए, जैसे मैंने कहा रोहन कम्स हियर डेली, रोहन कम्स हियर डेली, ही गोस, ही लर्न्स इंग्लिश, ही गोस फ्रॉम हियर एट 12 o'clock, तो यहां पर ही जो है वो किसका प्रोनाउन है, रोहन का। लेकिन जब आप रोहन को दिखाकर बात कर रहे हो कि वह रोहन है, तो आपको बोलना होगा ऐसी सिचुएशन में दैट इज रोहन, और वो रोहन के फादर हैं, दैट इज रोहन्स फादर, वो मेरा घर है, दैट इज माय हाउस। याद रखें स्टूडेंट्स दैट को आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ऐसे ही दिस को भी आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। याद रखें जब आप दैट को यूज कर रहे हो तो आप किसी चीज को दिखा रहे होते हैं, इसलिए आप कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, बोलेंगे दैट इज माय हाउस। और जब वहां पर 2 घर हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप कहेंगे दोज आर माय हाउस, कुछ इस तरीके से आप दिखाकर कहेंगे दोज आर माय हाउस। तो दैट का प्लूरल होता है फ्रेंड्स दोज, तो दैट मतलब हो जाता है वह, और दैट दोज मतलब हो जाता है वे। अब हम बात करते हैं दे की। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि सर दे भी तो यूज होता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बिट रिवीजन मैं आपको अगेन करवा दूं कि दिस और दीज में क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने देखा कि दिस मतलब होता है यह, दीज मतलब होता है ये। जब कोई चीज यहां पर ज्यादा मात्रा में है तो आप यहां पर किसका यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज का उपयोग कर रहे हैं। आप कुछ इस तरीके से कहेंगे दीज आर माई पैंस, दीज आर माई कार्स, दीज आर माई कॉपीज, दीज आर माई व्हाट यू कैन से दैट मोबाइल्स, These are my mobile cell phones. You know, 2 से 3 mobile cell phone यहाँ पर रखे हैं, तो these का use कर रहे हैं। That और those जो कि दूर की चीजों के लिए use करते हैं। अब हम बात करते हैं they की। तो they जो है वो किस तरीके से use होता है, इसके लिए एक example मैं लिखता हूं। मैंने कहा Rohan and Sohan are good friends. Rohan और Sohan अच्छे दोस्त हैं। They go to school daily. वे रोज स्कूल जाते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इन सेंटेंसेस में ये जो दे आया है ये प्रोनाउन है रोहन एंड सोहन का। आप यहां पर अगर लगाते हैं कि दोज गो टू स्कूल डेली तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोज जो है आप लोगों का दैट से बनता है, क्योंकि इसका मतलब भी वे होता है, लेकिन दोज का उपयोग आप वहां करते हैं जहां पर किसी चीज को आप इंडिकेट करके दिखा रहे हो। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल कैन आई टेक दीज बुक्स फॉर रीडिंग,
मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, कैन आई टेक दिस बुक्स फॉर रीडिंग, क्या मैं ये किताबें ले सकता हूं पढ़ने के लिए, तो आपने आंसर में कहा नो यू कांट टेक दीज बुक्स बट यू कैन टेक दोज बुक्स। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि यू कैन टेक दे बुक्स, आपको यहां पर बोलना होगा दोज बुक्स, वे किताबें आप ले सकते हो, दोज बुक्स मतलब मेरे सामने यहां पर ये किताबें भी रखी हैं, किताबें रखी है, दीज बुक्स भी है, दोज बुक्स भी है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट यू कैन नॉट टेक दीज बुक्स बट यू कैन टेक दोज बुक्स। तो दोस्त का उपयोग वहां होता है स्टूडेंट्स जहां पर आप किसी चीज को जो कि दूर स्थित है उसको दिखा रहे हो, दोस बुक्स, दोस हाउसेस, दोस पेंसिल्स, दोस चेयर्स, यू नो दोस डेज, जैसे बोलते ना इन दोस डेज शी वॉज इन इंदौर, इन दिनों वो कहां थी, उन दिनों वो कहां थी, इंदौर में थी, तो इन दोस डेज मतलब उन दिनों में, तो यहां पर दे नहीं लिख सकते, आपको दोस ही लिखना होगा। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि दोज और दो दोनों एक ही, नहीं भैया दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, दे जो है ये प्लूरल, ये जो है आप लोगों का एक प्रकार से प्रोनाउन है रोहन, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स का, लेकिन दोज जो है वो ऐसा नहीं है, दोज को आपको जो है कुछ अलग तरीके से यूज करना होता, तो आप देख सकते हैं यहां पर कैसे मैंने इनको यूज किया है, तो ये है आपका दैट और ये आपका दोज। एक बार छोटा सा रिविजन फिर करवाता हूं कि जब कोई चीज को आप दिखा रहे हो कि वह मेरा घर है, दैट इज माय हाउस, राइट right? और इसी तरीके से जब आप वहां पर दो मकान को दिखा रहे हो, राइट right? तो आप वहां पर दे यूज कर सकते हैं, दोज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको यह बोलना होता है कि कैन आई टेक दिस चेयर्स, तो यहां पर आप जब आंसर देंगे तो आप कहेंगे यस यू कैन टेक दिस चेयर्स बट नॉट दोज, हां आप ये चेयर ले सकते हैं लेकिन वे नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक दोज चेयर्स, तो यहां पर आपको दोष लगाना होगा। आप अगर यह बोलोगे कि आई कैन नॉट टेक दे चेयर तो गलत हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको माइंड करने हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इट के यूजेस। जब बात हम इट की करते हैं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले तो आप इट के बेसिक यूजेस को आप सीखें। इट वहां यूज होता है जहां पर कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे जब आप कहते हैं कि बारिश हो रही है तो यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपने क्या लगा दिया, इट लगा दिया, इट इज रेनिंग। आप देखिए सेंटेंस में आपने लिखा बारिश हो रही है तो आपने लिखा इट इज रेनिंग। इसी तरीके से आप जब कहेंगे कि आज संडे है तो इट इज संडे टुडे। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि टुडे इज संडे, बट लेट मी टेल यू टुडे इज संडे इज नॉट राइट ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस आपका सही होगा इट इज संडे टुडे। जहां पर भी आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर आप किसको यूज करते हैं, इट को। सबसे पहला यूज आप इट का याद रखें। दूसरी बात, इट जो है आप लोगों का एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि एनिमल्स के लिए यूज होता है। जैसे आप मेल और फीमेल के लिए तो ही और शी लगाते हैं पर्सन के लिए, लेकिन अगर कोई पर्सन एनिमल में है तो उसके लिए आप उसका प्रोनाउन इट यूज करेंगे। जैसे आपने कहा आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट यस्टरडे, कल मैंने जंगल में एक शेर देखा। It was looking very dangerous. वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा था, तो it was looking very dangerous. यहां पर it का मतलब हो रहा है students वह। तो ये जो it है ये lion का pronoun है, right? तो it का second, पहला use मैंने आपको क्या बताया जहां पर कोई subject नहीं होता है, दूसरा use मैंने it का क्या बताया आप लोगों को कि ये pronoun है किसका, कोई भी animals का या भी कोई भी non living चीज का, कोई भी non living वस्तु का, राइट right? ऐसे ही बहुत सारे इसके यूजेस हैं। मैंने इस पर केस चार्ट में इट को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, तो आप केस चार्ट पर बेस्ट वीडियो जो प्रोनाउन की प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर इट को आप डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो लिस्ट में हम लोगों ने जो चीज सीखी जिस पर हम लोगों का ज्यादा फोकस था वो था दिस एंड दीज, दैट एंड दोज, और साथ ही हम लोगों ने दे और दोज के बीच में क्या अंतर था उसको एग्जाम्पल के साथ में समझा। मैंने आप लोगों को बताया कि दिस का उपयोग होता है यह पास की चीजों के लिए, जब कोई चीज दूर हो जाती तो उसके लिए आपको दैट लगाना होता है, ये दोनों आपके सिंगुलर होते हैं, और जब आप इनको इनका प्लूरल बनाते हैं तो दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है
दोज, इन दोनों के बीच में हमने अंतर को भी समझा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कि दिस और दीज, दैट और दोज के बीच में क्या अंतर है। अब आपको कमेंट करके मुझे और भी टॉपिक सजेस्ट करना है, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये स्टूडेंट्स के डिमांड पर बनाया है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि सर ये दिस दैट और स्पेशली दोज और दे के बीच में क्या अंतर है, इस अंतर को आप क्लियर कीजिए। दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो। तो मुझे और ऐसे टॉपिक आप सजेस्ट करिए, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए डायरेक्ट बाय, हैव अ गुड डे।